ऋतिक रोशन वर्सेज थलपति विजय टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। ऋतिक रोशन की 10वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी विक्रम वेदा है, जिसका बजट 150 करोड़ था, जिसने 136 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 10वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कतिति है, जिसका बजट 65 करोड़ था, जिसने 126.8 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन की 9वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी धूम 2 है, जिसका बजट 35 करोड़ था, जिसने 150.4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 9वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी तुपाकी है, जिसका बजट 70 करोड़ था, जिसने 127 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन के 8वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, जिसका बजट 55 करोड़ था, जिसने 155.4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 8वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थेरी है, जिसका बजट 75 करोड़ था, जिसने 153 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी अग्निपथ है, जिसका बजट 75 करोड़ था, जिसने 194.6 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बीस्ट है, जिसका बजट 150 करोड़ था, जिसने 235 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट थलपति विजय को मिलता है। वहीं ऋतिक रोशन की 6वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी सुपर 30 है, जिसका बजट 200 करोड़ था, जिसने 209 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 6वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मास्टर है, जिसका बजट 130 करोड़ था, जिसने 243 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से थलपति विजय को मिलता है। ऋतिक रोशन की 5वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी काबिल है, जिसका बजट 75 करोड़ था, जिसने 210.4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 5वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी सरकार है, जिसका बजट 120 करोड़ था, जिसने 253 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से थलपति विजय को मिलता है। ऋतिक रोशन की 4वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बैंग बैंग है, जिसका बजट 160 करोड़ था, जिसने 340 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 4वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मार्शल है, जिसका बजट 120 करोड़ था, जिसने 257 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन की 3री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी फाइटर है, जिसका बजट 225 करोड़ था, जिसने 355 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 3री हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी वारूसी है, जिसका बजट 180 करोड़ था, जिसने 303 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी क्रिश 3 है, जिसका बजट 95 करोड़ था, जिसने 383.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बिगिल है, जिसका बजट 180 करोड़ था, जिसने 304 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से ऋतिक को मिलता है। ऋतिक रोशन की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी वॉर है, जिसका बजट 200 करोड़ था, जिसने 475 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी लियो है, जिसका बजट 225 करोड़ था, जिसने 618 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट थलपति विजय को मिलता है। तो आज के हमारे इस वीडियो के विनर है ऋतिक रोशन, जिनको टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज के मामले में थलपति विजय से ज्यादा पॉइंट मिले। तो अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों का फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन या थलपति विजय, मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।